मौत को दावत देते बिजली के झूलते तार। मड़कन गांव के पूर्वी धोबाई टोला के लोग नीचे झूलती बिजली के तारों की समस्या को लेकर चिंतित हैं। जर्जर हो चुके बिजली के तार जमीन से लगभग 4 फीट की ऊंचाई से सड़क किनारे गुजरते हैं, जिनसे हर वक्त अनहोनी का डर ग्रामीणों को सताता रहता है। गांव के ही रहने वाले डॉक्टर सिराजुद्दीन अंसारी, कयामुद्दीन अंसारी, शहाबुद्दीन, सुनील कुमार, राजकुमार, प्रमोद कुमार आदि ग्राम वासियों ने सरकारी अधिकारियों पर कोई कार्यवाही अब तक न करने के कारण नाराजगी जताई है। ग्रामवासियों के अनुसार इस गांव में बिजली की किसी भी समस्या को लेकर अधिकारियों से शिकायत भी करना फजूल है, बल्कि गांव वाले छोटी मोटी समस्याओं को भी आपस में ही चंदा इकट्ठा करके खुद ही समस्या का समाधान निकाल लेते हैं। इस गांव में सन 2007 में बिजली आई थी, उस वक्त भी कर्मचारियों को चंदा इकट्ठा करके 90,000 रूपए ग्रामीणों ने दिए थे, तब जाकर बिजली गाँव में आई थी। बिजली की तार घर घर की दीवारों को छूती हुई काफी नीचे से गुजरती है। अपनी शिकायत लेकर गाँव वाले बिजली विभाग के अधिकारी उससे भी मिले, वहां भी उन्हें एसडीओ के पास भेज दिया गया, वहां भी किंतु कोई फायदा नहीं हुआ, उसका आज तक निवारण नहीं हुआ। इस संबंध में एक ग्रामीण ने बताया कि बीडीओ व थाना एसडीओ को नवंबर माह में ही आवेदन देकर समस्या का अवगत कराया गया था, किंतु अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। यासूब रिजवी के साथ साजिद हुसैन की रिपोर्ट। जो मतलब तार की समस्या है कि 4 फीट 5 फीट पे तार झूल रहा है नीचे, जिससे 11,000 वोल्ट है, तो खतरा हो सकता है बच्चों को, महिलाओं को, सब किसी को भी। तो इसके लिए क्या आप लोगों ने कहीं से एप्लीकेशन दिया है, किसी तरीके का आवेदन? 2 साल पहले हम लोग आवेदन दिए थे, यही लिखे थे सुनील जी, ले जाकर हम ऑफिस में दे दिए, बोले लेकिन हो जाएगा जी, बस हम आगे बढ़ा दे रहे हैं। एप्लीकेशन किसको दिया गया था? काउंटर पे जी, जो बगल में एक एप्लीकेशन लेता है ना, नाम उसका नाम विद्युत विभाग में दिया था जी, जी वहीं पर दिए थे, बोले कि जल्दी काम हो जाएगा जी। उसके बाद नहीं हुआ, फिर 6 महीने के बाद हम बोले कि एप्लीकेशन दिए थे, ऐसा ऐसा बात है, वहाँ खतरा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है जी। तो बोला कि इस बार तो हम आगे बढ़ा दिए हैं, थोड़ा एस डी ओ साहब से मिल लीजिए, क्या कह रहे हैं। तो हमसे गए हम मिलने के लिए, तो नहीं थे जी, नहीं कुछ कर पाए। उनका था असिस्टेंट, वो बोला कि जो है तो हाँ उनका आया था एप्लीकेशन, काउंटर पर है लेकिन चारों तरफ काम हो रहा है, हो जाएगा। फिर 1 साल के बाद वहाँ लग रहा था नहर पर ट्रांसफार्मर, तो हम लोग उनसे बोले और सब लोग से बोले कि ऐसा ऐसा बात है, पोल भी है वहाँ, पोल वोल लग जाता था, सोनर लग जाता अलग, तो ठेकेदार थे मंटू ठेकेदार जी, तो बोले कि कुछ पैसा वैसा इंतजाम करना पड़ेगा, तब लगे छोड़ दिए भाई, जब ठीक है तब। ये इलेक्ट्रीशियन कोई आता है यहाँ पे, अगर कोई समस्या होती है? कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। तो ये आप लोग खुद से ही मतलब करते खुद हैं? से ही, 90,000 खुद से 90,000 रुपया हम लोग लगाए थे दोनों महिला मिलकर। अच्छा, तब वो ट्रांसफार्मर और तार वो सबका पैसा लिया गया था, और उस वक्त गोपालगंज के चुना ठेकेदार थे वही सब लगाए, लेकिन और आइएगा तो हम लोग को मालूम नहीं था, हम लोग थे कॉलेज पर दोनों आदमी, इधर से फोन किए तो हम लोग चले, तो हमको फाइलें लेकर उसमें दिखा देते कि कितना एस्टिमेट बना था, वो सब है। ठीक है।